नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू दी एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। रिट पिटीशन, इफ यू वांट टू फाइल रिट पिटीशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके, रिट कैन यू फाइल अंडर आर्टिकल 32 और इन 226। तो इफ यू वांट टू फाइल ए रिट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो वेदर यू नीड टू गिव ए नोटिस अगेन, आंसर इज नो। अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लिम्स। मेंस में आप ऐसे लिखेंगे लेकिन प्लिम्स में भी ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि रिट और सूट में अंतर होता है। रिट इज नॉट ए सूट। ए रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 और 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सेट टू बी ए सूट विद इन द मीनिंग ऑफ 80। समझे बात आप? इट इज नॉट रिट। रिट इज नॉट इक्विवेलेंट टू सूट। सूट इज समथिंग डिफरेंट, रिट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। देयरफॉर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80 विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिट्स। समझे आपने? समझे आप? ये यू नीड नॉट टू गिव एनी नोटिस ऑफ 2 months बिफोर फाइलिंग एनी रिट। ठीक है? नाउ सपोज कीजिए इफ देयर इज एन अर्जेंसी, देयर मे बी सर्टेन सम सिचुएशंस व्हेन इट इज अर्जेंट, कि 2 महीने का नोटिस अगर हमने दिया तो द वेरी पर्पज विल बी फ्रस्ट्रेटेड। सपोज गवर्नमेंट इज गोइंग टू योर, क्या कहते हैं इसको, एक्वायर योर लैंड, देर आर सम डिमोलिशन ऑर्डर बाय द एमसीडी, एंड इफ यू गिव इफ एंड यू वॉन्ट स्टे अगेंस्ट दैट, यू वॉन्ट स्टे अगेंस्ट दैट, देर इज सम काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, तो वॉट कैन बी डन इन दैट कैटेगरी, इन दैट उसमें अर्जेंट केसेस में इफ यू कांट, यू कांट वेट फॉर 2 months, पीरियड ऑफ 2 months इज टू लॉन्ग समटाइम्स, तो इन दैट केस, इन अर्जेंट केस फॉर दैट 80 क्लॉज 2, सेक्शन 80 क्लॉज 2 डील्स विद सच सिचुएशंस एंड इट सेज द प्लेंटिफ मे इंस्टीट्यूट सूट विद द लीव ऑफ द कोर्ट इवन विदाउट सर्विंग नोटिस टू द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन अर्जेंट केसेस, बट यू विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यू विल हैव टू सेटिस्फाई द कोर्ट कि दिस इज इमरजेंसी एंड आई हैव नो टाइम ऑफ 2 months टू गिव नोटिस टू दिस। समझे नहीं समझे आपके? तो इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इन अर्जेंसी, इवन दिस पीरियड कैन बी वेव्ड बाय द कोर्ट। यू प्लेंटिफ में फाइल द सूट, प्लेंटिफ में इंस्टीट्यूट द सूट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है परमिशन ऑफ द कोर्ट।
कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट की सहमति से यू कैन फाइल सच सूट इवन विदाउट सर्विंग नोटिस टू द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेकिन अब ऐसे स्थिति में क्या होगा? अगेन हाउ एवर सेक्शन सॉरी सब क्लॉज टू हाउ एवर इनएक्ट्स दैट इन सच ए केस द कोर्ट शैल नोट ग्रांट रिलीफ whether interim or otherwise without giving to the government or public officer at the case may be reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief prayed for in the suit। ये मैंने पढ़ दी लाइन, ये लाइन आपके नोट्स में भी है, इसका मीनिंग समझाता हूं मैं कि ठीक है आपने सूट फाइल कर दिया without undergoing that formality of 2 months notice, बट इवन इन दैट केस नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू यू। सूट इज फाइल्ड ओके बट नो रिलीफ वेदर इंटरिम और परमानेंट रिलीफ नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू यू अनलेस वी हियर द गवर्नमेंट एज वेल। इट मीन्स वॉट एक्स पार्टी रिलीफ आपको कोई मिलेगा नहीं गवर्नमेंट से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इंटरिम रिलीफ ही नहीं मिलेगा। कोर्ट विल हैव कोर्ट गवर्नमेंट को कहेगी आप जल्दी से अपना पक्ष रखिए। आपने व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू से इन दिस रिगार्ड, 2 months नोटिस इज ओके बट वी विल हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट और द पब्लिक ऑफिसर। ये बात समझ रहे हैं आप? एज ए जज आपको बहुत काम आएगी ये कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति आता है कि ही वॉन्ट्स टू फाइल ए सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड सेज कि अर्जेंट रिलीफ चाहिए, तब आप क्या करोगे? फिर वो ये भी कहेगा इंटरिम रिलीफ दे दीजिए, स्टे दे दीजिए कम से कम मुझे, ये टेम्पररी इंजंक्शन दे दीजिए मुझे। समझ रहे हैं बात? तो 82 क्या कहते हैं इस बारे में? दैट इन सच ए केस द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट रिलीफ, द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट रिलीफ वेदर इंटरिम और अदरवाइज विदाउट गिविंग टू द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर एट द केस में बी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज। ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, जो रिलीफ उन्हें मांगा है उस संबंध में गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर को क्या कहना है, एक युक्ति युक्त अवसर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट बिफोर ग्रांटिंग एनी रिलीफ बाय द कोर्ट। दिस इज द मैंडेट ऑफ सेक्शन 80 क्लॉज 2। अब इन दिस केस आई एम नॉट सेइंग टू यू दैट यू शुड लर्न द सेक्शन वर्ड बाय वर्ड। आपको शब्दशः सेक्शन 80 को रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसकी मुख्य बातों को याद रखना जरूरी है। 80 क्लॉज 1 में क्या है, 80 क्लॉज 3 में क्या है, 80 क्लॉज 2 में क्या है, इस तरीके से शब्दशः रटने की जरूरत नहीं है यहां पर आपको। जैसे कि डिक्री के डेफिनेशन में रटने की जरूरत है क्योंकि वहां पर एवरी फ्रेज इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर दैट, है कि नहीं? बढ़े आगे चलिए। अब तो ये फॉर्मेलिटी थी नोटिस की। बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस सूट इज रिगार्डिंग द नोटिस। नोटिस की फॉर्मेलिटीज क्या होनी चाहिए, क्या कोई डिफेक्ट हो गया तब क्या होगा, मैंडेटरी है या नहीं है, ये सब हमने पढ़ लिया। सही है, हमने अभी तक क्या पढ़ा नोटिस के बारे में? दिस इज ए मैंडेटरी प्रोविजन। पहली बात, If a suit has been filed without such notice, this suit can be dismissed. This is not an empty formality, but no technical prescribed performa is there, and you can send a notice, but it should have name, description, and residence of the person who is sending, a statement regarding the cause of action and the relief claimed. ये सारी बातें होनी चाहिए। आपने सारी कंप्लेंस कर डाली इसमें, ये गवर्नमेंट चाहे तो उसको वेव कर सकती है क्योंकि ये इट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट और द पब्लिक ऑफिसर। ये सारी बातें पढ़ ली हम लोगों ने। आपने घनश्याम दास का केस पढ़ लिया, बिहारी चौधरी का केस आ गया, गीता का केस आ गया। तो ये 4-5 केसेस हैं जो मैंने पढ़ाए, नोट्स में है, ये कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि आपने नोटिस दे दिया, अब आपको सूट फाइल करना है। नाउ यू नीड टाइटल, टाइटल क्या होगा सूट का? तो फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू गो टू सेक्शन 79। टाइटल ऑफ सूट एंड इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 79। इन ए सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट
the authority to be named as plaintiff or defendant as the case may be shall be. कि what should be the name of the authority? The authority to be named as plaintiff or defendant क्या होगी? So in the case of suit by or against central government, the Union of India. You will say Union of India. A versus Union of India. A versus Union of India. अगर गवर्नमेंट करती है तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ए हो जाएगा. एंड इन द केस ऑफ सूट बाय और अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट स्टेट ऑफ यूपी स्टेट ऑफ बिहार इस तरीके से टाइटल होगा इसका. तो दिस इज ए फॉर्मेलिटी ऑफ नेम. कैसे करेंगे आप प्लेंटी ऑफ डिफेंडेंट को कैसे लिखेंगे? आप ये नहीं लिखेंगे मिस्टर मोदी, आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं जाएंगे, आप प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे? यूनियन ऑफ इंडिया. टाइटल ये होगा आपका स्टेट ऑफ बिहार स्टेट ऑफ यूपी. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इन प्लेंट उसमें भी होगा तो उस ऑफिसर का पद आएगा, उसमें डेजिग्नेशन आएगा. पढ़ेंगे The plaint can be presented after the expiration of 2 months of notice, which must contain a statement and a statutory notice that a statutory notice under section 80 of CPC has been delivered or left as required by subsection 1 of the said section. Very important line, समझ लीजिए कि जो plaint में there must be a statement in the plaint. ये सारे formality अब मैं draft कर ली plaint of with these designations. Now there must be There must be what? There must be a statement in the plaint itself. Plaint में एक वाक्य होगा इस बारे में कि मैंने जो सेक्शन 80 के नोटिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी. रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस एज प्रेस्क्राइब बाय सेक्शन 80 हैज बीन मेट. दिस शुड बी रिटन इन द प्लेंट इटसेल्फ. समझ रहे नहीं? सेक्शन 80 प्लेंट में लिखना ही होगा. दोबारा पढ़ लीजिए. Must contain a statement that a statutory notice under section 80 has been delivered. Notice दे दिया गया है. An omission to make such a statement is fatal and in its absence the plaint will be rejected. Plaint will be rejected. इसमें dismiss नहीं लिखते हैं. Plaint will be rejected. तो यहां से प्लेंट से क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर प्लेंट में यह स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, इफ The statement is missing in the plaint that the formality of notice of section 80 has been complied with, then what will be the consequence? The consequence is your plaint will be rejected. And this is what? Section 79, you see the order 27, rule 3 and 5A. These orders are referred. आपको mains के point of view से इन rules को रटने की जरूरत नहीं है. अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है. But otherwise, even if you remember the law, it may be sufficient. तो ऐसा कर लीजिए, आप पहले इसको रट लीजिए, जब आपको लगे आपका टाइम है तो fill in the blanks के रूप में बाद में उन ऑर्डर को रट लेना. Because it will be very difficult for you to remember the rules and sub rules. But this is a law. Law is what? You must mention it. Otherwise, your plaint will be rejected. So this is again a good information for the plaintiff's point of view. क्लिम्स में मैडम यहां से क्वेश्चन आएंगे इसमें इस पे कि अगर प्लेंट में वो स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ तब क्या होगा? सेक्शन 80 नोटिस दिया ही नहीं आपने तब क्या हो जाएगा? ये सूट विल बी डिसमिस्ड. यहां पर क्या है कि आपने समझी क्या बात है, यहां पर आपने 80 के नोटिस दे दिया तो समझ रहे हैं ना बात, ये 80 के नोटिस तुमने दे दिया लेकिन तुमने वो बात प्लेंट में नहीं लिखी कि जनाब मैंने नोटिस दे दिया है. यू फॉरगॉट. व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंस? योर प्लेंट विल बी रिजेक्टेड. समझे कि नहीं? नेक्स्ट ऑर्डर 27 रूल 1 में वेयर ए सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर, ओके, द गवर्नमेंट शुड बी ज्वाइंड एज ए पार्टी टू द सूट. दिस इज ए मैंडेटरी प्रोविजन कि अगर आप पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट जा रहे हैं The government should be joined as a party. Where it is written? ये रूल जरूर याद कर लीजिएगा. Order 27, Rule 1.
वेयर ए सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी द गवर्नमेंट शुड बी जॉइंड एज ए पार्टी टू द सूट। पढ़े आगे नेक्स्ट प्रोसीजर में 20 ऑर्डर 27। इन ए सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। कि अगर सूट फाइल करने गवर्नमेंट के बिहाफ से कौन आएगा साइन करेगा जो जो पेपर्स हैं जहां इट मे बी ए प्लेंट इट मे बी रिटन स्टेटमेंट हु विल साइन तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उस व्यक्ति को एंड हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस उस फैक्ट्स को से परिचित व्यक्ति को अपॉइंट करा जाएगा और वही उन सारे पेपर्स पर गवर्नमेंट की तरफ से साइन करेगा। ये बात कहां लिखी है रूल 2 में। नेक्स्ट पर्सन ऑथराइज टू एक्ट फॉर द गवर्नमेंट शैल बी डीम्ड टू बी रिकॉग्नाइज एजेंट उसको रिकॉग्नाइज एजेंट माना जाएगा ऐसे व्यक्ति को। दिस इज रूल 4। इसमें समझाने वाली बात नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ए गवर्नमेंट प्लीडर कैन रिसीव समन्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट रूल 5। वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रिलिम्स एज वेल। जो गवर्नमेंट प्लीडर इट मीन्स वॉट सर्विस ऑफ समन्स में थ्रू ऐसे भी कराई जा सकती है ही कैन रिसीव गवर्नमेंट प्लीडर कैन रिसीव दी समन्स गवर्नमेंट प्लीडर कैन रिसीव समन्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट ए काउंसिल फॉर द स्टेट नीड नोट फाइल ए वकालतनामा। ए काउंसिल फॉर द स्टेट नीड नोट फाइल ए वकालतनामा। वकालतनामा फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर आप सरकारी वकील हैं तब। रीजनेबल टाइम शुड बी ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट। पढ़े आगे कुछ समझाने वाली बात नहीं है इसमें। इन ऑल सूट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू असिस्ट इन अराइविंग एट ए सेटलमेंट। यहां पर एक कोर्ट की ड्यूटी बना दी गई है कि न्यायालय का कर्तव्य होगा कि कोई अगर समझौता हो जाता है केस में सेटलमेंट होता है तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो इसके लिए सेक्शन 89 भी आया है। सेक्शन 89 प्रिस्क्राइब द मोड्स कि आप आर्बिट्रेशन में चले जाइए आप मीडिएशन में चले जाइए। सेक्शन 89 देखेंगे अगर आप तो कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट इंसिस्ट करे कि भाई लड़िए मत यू ट्राई फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आर्बिट्रेशन में मीडिएशन में कंसिलिएशन में। ठीक है दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा एंड देखिए अपने YouTube चैनल को आपका अपना YouTube चैनल है विधि शुल अकेडमी इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज तो कौन कौन से वीडियोज हम डाल चुके हैं। आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।